नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के पुनौल गांव में दहेज के लिए तीन बच्चों की मां की हत्या कर दी गई। दहेज में बाइक की मांग की जा रही थी। हत्या के बाद शव को गांव के बाहर बधार में छिपा दिया गया था। दो चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस शव को ढूंढ पाई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए। शव को बोरा में बंद कर बधार में सरसों के डंठल से छुपा दिया था। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। सूचना के बाद सोमवार सुबह से ही लाश को बरामदगी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। मृतका सीता देवी के पति, सास सहित सभी स्वजन घर छोड़कर फरार हैं। थानाध्यक्ष सरफराज इमाम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया गया है। मृतक के पिता सुदामा चौहान द्वारा दिए गए आवेदन में पति अजय चौहान, सास बुढ़िया देवी, ससुर कृष्णा चौहान समेत 15 लोगों पर दहेज के लिए हत्या का केस दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। मला हजार के मोटरसाइकिल मांगता था मेरा भाई से दहेज में, तो मोटरसाइकिल का हम कहाँ से देंगे? हमको हत्या कर दिया सीता देवी के अजय चौहान, बुढ़िया देवी मार पीट के हत्या करने के बाद में नकुल आएगा उसका भाव जाए था, दोनों मिल के मारपीट पकड़ धकड़ के नचाई गर्दन दबा के उसको मार के खंडा में बिक दिया है। कौन गांव का मामला है? पुमला पुनाउल। क्या नाम है महिला का? महिला का जी यही मामला था। 2016 में शादी किए थे मेरा बहन का अजय चौहान से, और विवाद यही था कि एगो गाड़ी मांग रहा था, हम लोग अपाची नहीं दे सकते थे और कह रहा था कि तुम्हारा बहन का मार के बिक देंगे, और वही पुनौल गांव के पास है नहर के बगले में बिक दिया। 3 दिन से लापता है, लाश आ जाके बरामद हुआ है। कारण क्या था? कारण यही था कि अपाची का मांग कर रहा था। कौन मांग कर रहा था? अजय चौहान। ओ, तो क्या किया? का क्या यही किया कि मार के बिक दिया। ओ, क्या नाम था बहन का? बहन का नाम था सीता कुमारी, सीता देवी। बहनोई का? बहनोई के था नाम था अजय चौहान, गाला दवा के मार दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित चौहान है। कहाँ घर है? घर डिहरी है, ग्राम अतरी थाना, जिला गया।